नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगले 48 घंटे यानी कि अगले दो दिनों के बीच तीन बड़े कांड होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले दो दिनों में एक बड़े राज से पर्दा हटेगा, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर बन रहे हैं वो काफ़ी भयानक बन रहे हैं और देखने के लायक बन रही है। इससे दोस्तों साफ साफ यह दिखाई दे रही है कि अगले दो दिनों में बहुत बड़े कांड होंगे। तो ऐसे में अगले दो दिनों में वो कौन कौन से कांड होंगे आपके व्यापार में, आपके नौकरी में, आपके परिवार में, आपके विद्यार्थियों में, स्वास्थ्य में, पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक स्थिति में व अन्य सभी क्षेत्रों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और अगले दो दिनों में होने वाले सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमेशा की तरह शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी बातों को गहरे तरीके से कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जाकर कालों के काल जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इससे दोस्तों आपके जीवन में ना रहेंगे कोई दुख और ना कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए जय श्री महाकाल। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि समस्या और परेशानी बिना किसी वजह के हमारे जीवन में नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जी हाँ, आंखें बंद कर लेने से मुसीबतों का अंत नहीं होता है और मुसीबत आए बिना हमारी आंखें भी नहीं खुलती है। इसलिए दोस्तों जीवन में कभी कभी मुसीबतों का आना भी जरूरी होता है, तभी तो हमें पता चलता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन पराए हैं। दोस्तों बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे जय श्री कृष्णा। आइए इसी के साथ जानते हैं आने वाले अगले दो दिनों का महाराशि फल। तुला राशि वालों, आने वाले अगले दो दिन अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह के वार्तालाप में बिना सोचे समझे विश्वास ना करें तथा अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले दो दिन आलस की वजह से अपने कार्यों को टालने का प्रयास ना करें, अपने लक्ष्य के प्राप्ति पर एकाग्रचित रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आने वाले अगले दो दिन आपके लिए जो समय होंगे, ये समय धैर्य और संयम भी रखने का है। ज्यादा चिंता करने से आपकी कार्यक्षमता ही प्रभावित होगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको चिंता करने से बचना होगा। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और आपको आंख मूंद कर भगवान पर भरोसा रखनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो एक रास्ते बंद कर देते हैं तो वो अनेक रास्ते खोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा भक्त कष्ट में हो, दुख में हो, परेशानी में हो। जी हाँ दोस्तों, किसी खास कार्य के प्रति की गई मेहनत के ज्यादा मनोकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। जी हाँ, आपके किसी जिद अथवा व्यवहार की वजह से मामा पक्ष के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले दो दिन वाद विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय वाणी पर व्यवहार और मधुरता बनाकर रखना होगा और छोटी मोटी बातों को भूलना होगा, नजरअंदाज करना होगा। अगर आप बातों को पकड़ेंगे तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी भी तरह का रिस्क लेने अथवा वाहन चलाते समय सावधानी बरतने का है। जी हाँ, क्योंकि इस समय परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी बन रही है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, गलत संगति से बचने का प्रयास करें और अपना ध्यान, अपना जो है मन, अपने पढ़ाई पर ही लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में अभी ना पड़े तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय फेस्टिवल में कर्मचारियों के साथ भी मेल मिलाप रखें, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा
और वो लोग कार्यों को मन लगाकर भी करेंगे। कार्यक्षेत्र में समझदारी भी आप किसी परेशानी को सुलझा लेंगे। जी हाँ, इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ, आने वाले अगले दो दिन मित्रों तथा संबंधियों के साथ संपर्क में रहें, परंतु दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता व अपने आत्मबल पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। जी हाँ, ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी संबंधी की समस्या में आपको उसकी सहायता भी करनी पड़ सकती है, और अगर एक दूसरे को मदद करने का सहायता करने का मौका मिले तो आप जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, इससे भगवान शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छे फल देते हैं। न्याय के देवता भगवान शनिदेव बहुत ही खुश होते हैं ऐसे लोगों पर जो लोग एक दूसरे का भला करते हैं, भला सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरों का भला करोगे, दूसरों का भला सोचोगे, तो आपका भला करने के लिए भगवान बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या करते हैं, कौन सा काम सही करते हैं, कौन सा काम गलत करते हैं, इसका सब हिसाब किताब होता है, और वो भगवान न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों अच्छे कर्म करें, अच्छे के रास्तों पर चलें, ताकि आप अपने जीवन में बिना बाधा के, बिना मुसीबत के आगे बढ़ते रहें। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से कार्य सुचारू रूप से चलते जाएंगे। जी हाँ, आपका प्रभुत्व भी बना रहेगा, और इस समय मार्केटिंग संबंधी कामों पर भी ध्यान दें। अत्यधिक कारभार की वजह से आज के दिन भी ऑफिस का कार्य घर पर भी करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, छुट्टी का माहौल है, अच्छे से समय बिताएं और घर पर ही माता पिता के साथ समय व्यतीत करें, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें और अपने पार्टनर के साथ खुशियां बांटें और समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये समय पारिवारिक मामलों को सुलझाना और चुनौतियों से भरी दिनचर्या रहेगी, परंतु आप दृढ़ निश्चय होकर उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। जी हाँ, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाएगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से सुकून मिलेगा और इससे जो है आपके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा है दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। खर्चों की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। फालतू मौज मस्ती से दूर रहने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत यह समय दूर दराज के संपर्कों के माध्यम से आपको कोई व्यावसायिक उपलब्धि मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों जल्दी से उनसे संबंधित उचित जानकारी हासिल करें और ग्लैमर कला, सौंदर्य प्रसाधन आदि से जुड़े व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि हासिल होंगे और मन काफी प्रसन्न रहेगा। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से उमंग और खुशी भरा माहौल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस समय का आपको सदुपयोग करना है, इसका लाभ उठाना है। आने वाले अगले दो दिन कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो समस्याएं आपके प्रतिकूल हो सकती हैं। जी हाँ।